हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप इतना अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं लोग पबजी मोबाइल के 10 ऐसे गन कॉम्बोज बताऊंगा जो कि तुम अगर यूज़ करोगे तुम्हारी जो KD है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। मतलब 3 साढ़े 3 तो आसानी से हो जाएंगी, उसके साथ जो तुम्हारा ना गेम प्ले होगा ना वो भी और अच्छा हो जाएगा अगर तुम ये 10 कॉम्बो यूज़ करते हो। मतलब कि इसमें से कौन सा भी एक कॉम्बो यूज़ करते हो तुम 10 से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम चैनल पर ना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और बिना देरी के शुरू कर दे। तो यार पहले नंबर पे जो कॉम्बो आता है ना वो है ग्रोजा प्लस AWM। अब ये जो कॉम्बो है ना ये मोस्ट कॉमन कॉम्बो है। मतलब कि तुम अगर है ना कौन सी भी है ना कॉम्पिटेटिव स्क्रीम या टूर्नामेंट देखोगे तो उसमें है ना अगर तुम्हारे पास एयर ड्रॉप आ जाए तो बहुत से बंदे है ना यही यूज़ करते हैं ग्रोजा और AWM। ग्रोजा हमेशा ना मोस्ट पावरफुल गन है, मतलब कि उससे पावरफुल MK, बट MK का स्प्रे इतना संभाल नहीं जाता, लेकिन है ना लोग ग्रोजा ही यूज़ करते और एक ओम यूज़ करते हैं स्नैपिंग के लिए। ये मोस्ट कॉमन है। बाकी दूसरे नंबर पर आता है ओम प्लस M249। ये भी है ना मोस्ट, अभी जो मैं कॉम्बो बता रहा हूँ ना वो सब ड्रॉप के कॉम्बो है। ये जो तीन कॉम्बो दो कॉम्बो बताए ये है ना ड्रॉप के कॉम्बो है। मतलब कि AWM और M249 प्लस AWM और ग्रोजा, ये तो है ना मोस्ट कॉमन यूज़ ही करते हैं। लेकिन इनमें से जो पहले नंबर पर कॉम्बो है ना वो ग्रोजा पे है, क्योंकि यार M249 तो अभी कोई इतना यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अब पबजी वालों ने M249 की एमओ बढ़ा दी है लेकिन उसका डैमेज कम हो गया है। और तीसरे नंबर पर आता है AWM प्लस M416। तो यार ये तो है तीन नंबर पे, लेकिन ये सबसे कॉमन कॉम्बो है, क्योंकि यार M416 तो सबकी फेवरेट है, उसके साथ AWM मिल जाना तो पूरी गेम प्ले में मज़ा आ जाता है। क्योंकि यार M416 का जो स्प्रे है ना वो ही क्या स्मूथ है, मतलब कि एक ही जगह पे पूरी तुम्हारी गोलियां बैठती है और तुम्हारा जो है ना गेम प्ले वो और अच्छा हो जाता है। फिर हमारा चौथे नंबर पे जो है ना कॉम्बो है ना वो है DP प्लस AKM। तो यार मोस्ट कॉमनली है ना बंदे यही यूज़ करते हैं अगर उन्हें ना ड्रॉप की वेपन नहीं मिलते। आप कॉम्पिटिटिव स्क्रीन देखोगे ना उसमें ना ड्रॉप की वेपन मिलना ना आसान नहीं है, क्योंकि लोग फ्लेयर है ना हमेशा जोन के है ना बाहर ही चलाते हैं ताकि उन्हें BRDM इजीली मिल सके। और BRDM है ना कॉम्पिटिटिव स्क्रीन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो है ना कवर है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है और उसमें ना एक भी बुलेट नहीं लगती। तो यार तुम्हें ना मैच जीतने के चांसेस बहुत हो जाते हैं उस कॉम्पिटिटिव स्क्रीन में। तो यार उसमें भी है ना अगर तुम्हें ड्रॉप के वेपन नहीं मिलते ना तो DP और AKM है ना तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ना मोस्ट कॉमन है। DP का जो स्प्रे है ना वो बहुत स्मूथ है, मतलब कि अगर तुम्हारा गायरोस्कोप चालू नहीं होगा तुम DP ज़रूर यूज़ करना। और AKM है ना क्लोज रेंज में तो है ना गॉड है, मतलब ग्रोजा से है ना थोड़ा सा कम डैमेज है ना AKM का ही है। AKM का सबसे ज़्यादा डैमेज है ड्रॉप वेपन को छोड़ के, जो आइलैंड पे स्पॉन होते हैं ना तो उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज AKM का ही है। तो तुम यार AKM और DP भी यूज़ कर सकते हो। और यार हमारे जो पाँचवें नंबर पर कॉम्बो है ना वो है M416 प्लस AKM। तो यार बहुत लोग अब है ना DP यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको है ना DP का जो रीलोड टाइम है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका रीलोड टाइम 3-4 सेकंड है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए लोग है ना AKM के साथ है ना बहुत लोग अब M416 यूज़ करते हैं, क्योंकि उस M416 का रीलोड टाइम है वो बहुत कम है। उनका जो स्प्रे है ना वो भी है ना बहुत लोगों का अच्छा है, क्योंकि है ना गायरोस्कोप चालू रहना तुम्हारे M416 का स्प्रे बहुत अच्छा हो जाता है और तुम्हें ना DP उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कॉम्बो तुम यूज़ कर सकते हो। और अच्छा हमारा जो छठवें नंबर पर कॉम्बो है ना वो है UZ प्लस M416। और UZ भी है ना बहुत काम की गन है, अगर तुम्हें ना लगता है कि UZ कुछ काम के हैं तुम यार गलत हो, तुम्हें ना पबजी अब तक खेला ही नहीं है, तुम अभी तक बच्चे ही हो। तो UZ जो है क्लोज रेंज में ना गॉड गन है, क्योंकि यार UZ का जो फायरिंग रेट है ना वो पूरे पबजी में है ना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यार बहुत लोग अब ना क्लोज रेंज में ना UZ यूज़ करते हैं और लॉन्ग रेंज के लिए M416। तो यार तुम ये भी कॉम्बो यूज़ कर सकते हो। तो यार हमारा जो सातवें नंबर का कॉम्बो है ना वो है MK प्लस ग्रोजा। अब यार ये कॉम्बो बहुत रेयर है, मतलब कि है ना ज़्यादा लोग यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि यार उनका दोनों का जो स्प्रे है वो इतना मस्त नहीं है जितना M416 का है। लेकिन अगर तुम ये दोनों है ना यूज़ करते हो ना तो यार तुम गारंटी दे रहा हो तुम है ना पूरी इरेंगल में डोमिनेशन कर दोगे, मतलब कि यार तुम्हें ना डोमिनेटर का टाइटल भी मिल जाएगा अगर तुम्हें हर मैच में ये दो गन यूज़ करते हो तो। क्योंकि यार MK है ना बहुत ही है ना पावरफुल गन है, मतलब कि सबसे पावरफुल गन MK ही है और उसके नीचे ग्रोजा भी है ना बहुत पावरफुल है। तो यार अगर तुम यूज़ करते हो ना तुम्हारी है ना गेम प्ले बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यार ये कॉम्बो है ना सबसे बेस्ट है, लेकिन यार ये कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि यार उनको है ना स्प्रे नहीं जमता, MK का भी नहीं जमता और ना ग्रोजा का भी नहीं, इसलिए ना ये कम लोग यूज़ करते। बाकी अगर तुम्हें यूज़ करना तुम यूज़ कर सकते हो। तो यार हमारा जो नौवें नंबर पर कॉम्बो है ना वो है M416 प्लस बैरल। तो यार M416 और बैरल में ना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि यार M416 का डैमेज है ना वो 4 बुलेट से कम है, मतलब कि अगर तुम्हें गाड़ी फोड़ने में ना बुलेट 40 लग रही होंगी M416 की तो उधर ही है ना बैरल की 35 लगता है। और बैरल का जो फायरिंग रेट है ना वो AKM से ज़्यादा है, तो मैंने AKM की जगह ये वाला बैरल भी यूज़ कर सकते हो। और मैं तो बोलूँगा बैरल यूज़ करो AKM की जगह। तो यार हमारा जो आखिरी कॉम्बो है ना वो है M416 प्लस M13। मतलब कि यार लोग है ना टैप टैप करने के लिए M13 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यार M13 है ना टैप टैप करने के टाइम ज़्यादा कुछ है उसका जो रिकॉल है वो ज़्यादा कुछ हिलता नहीं है, मतलब कि वो जो स्क्रीन शेक है ना वो ज़्यादा नहीं हिलता है। तो लोग है ना M13 यूज़ करते हैं टैप टैप के लिए, मतलब कि 6-6 फुल करके ना अगर दूर पर मारना हो
तो लोग है ना यमुनत्री यूज़ करते, बाकी तुम भी इस 10 में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी ना, तुम्हें है ना अपना फेवरेट गन कॉम्बो भी है ना कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यार अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी ना, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ या नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।